मॉर्निंग क्लास थर्ड पार्ट 9। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें हमने पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 मृदा के प्रकार। मृदा क्या होती है? मृदा मीन्स होता है मिट्टी, मृदा मिट्टी को कहा जाता है। तो आज हम मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। मिट्टी से आप सभी वाक्यों में आपने देखी भी है, लेकिन मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो कई जगह पे काली कलर की मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे पीले रंग की, कहीं पर मोटी, कहीं जो बहुत पतली बारीक, इस तरह से मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पेज नंबर निकालिए 42 यानी कि 42, और पार्ट है हमारा 10 मृदा के प्रकार। पहले हम पहला जो पैराग्राफ इसका फर्स्ट उसको रीड करते हैं कि मृदा को हम मिट्टी नहीं कहते हैं। मृदा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी। यह पृथ्वी की ऊपरी सतह, हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी जो गोल है, इसकी ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं, उस ऊपरी सतह पर ये मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी जीवित प्राणियों का आधार है। ये हम सभी का, चाहे वो जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, या हम मनुष्य क्यों ना हो, हम सभी का आधार है, जिस पर हम टिके हुए हैं, बेस है हमारा। यह कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। खेती, कृषि मतलब खेती का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना खेती नहीं हो सकती है। मिट्टी का अस्तित्व तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी पर मिट्टी है। हमें फल और अनाज आदि खाद्य वस्तु मिट्टी की सहायता से प्राप्त होती है। जो खाना हम खाते हैं, जो अनाज फल सब्जी जो भी हम खाना खाते हैं, वो हमको मिट्टी के कारण ही प्राप्त होता है। इसलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी यानी कि काम की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मिट्टी का बनना, कि मिट्टी बनती कैसे है, ठीक है। मिट्टी का बनना, ठीक है। आप आ जाइए सेकेंड पैराग्राफ पे, इसको भी रीड कर लेते हैं। मिट्टी का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जो ये मिट्टी आप देखते हैं आपके पास बनेगी, इसका बनना बहुत लंबा टाइम इसको बनने में लगा है। और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ। चट्टानों पर तेज गर्मी, वर्षा या तेज वायु का प्रभाव होता है, तो वो चटक कर छोटी चट्टानों में बन जाती है। ये छोटी चट्टानें नदियों के प्रवाह या पेड़ पौधों की जड़ों के प्रभाव से और छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये टुकड़े पानी के साथ बहकर नीचे आते हैं और आपस में टकरा कर बजरी और बालू बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे एकड़ मिट्टी का रूप लेते हैं। इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है मिट्टी का निर्माण? जो चट्टानें होती है पहाड़ वगैरह होते हैं, जब इस पर बारिश का पानी गिरता है या तेज हवा चलती है या सूर्य की बहुत ज्यादा रोशनी इन पर पड़ती है, तो ये चट्टानें चटक जाती है और टूट जाती है। जब ये टूटती है तो छोटे चट्टानों में तब्दील हो जाती है। फिर वापस उनमें वही वायु, पानी और सूर्य के प्रकाश का जब असर होता है, तो वो छोटी चट्टानें जो छोटी चट्टानें हैं वो और छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। फिर जब नदियां बहती है, पानी बहती है, तो वो चट्टानें पानी छोटे टुकड़े जो है, क्योंकि बड़े तो बह नहीं सकते, वो छोटे टुकड़े वो पानी के साथ रह करके नीचे मैदानों में आ जाते हैं। और बजरी के मोटे जो कण होते हैं ना, मोटे कण बजरी या रेत, उसके रूप में जमीन मैदान पे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर बाद में यही कण जो है, बजरी और रेत के जो कण है, यही छोटे होकर के मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों से। और इस प्रक्रिया में, इस पूरी क्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है। समझ में आ गया आपको मिट्टी का बनना। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इसका, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार, ठीक है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है, इसलिए इसका आकार, रंग में फर्क पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसको चार रूपों में मेनली बांटा गया है। चार प्रकार की मिट्टी होती है। पहला बजरी, जो थोड़ी मोटी होती है, या पथरीली मिट्टी, इसको पथरीली मिट्टी भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा रेतीली मिट्टी, ठीक है। तीसरा है हमारा चिकनी मिट्टी, और चौथी है हमारी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, चार तरह की मिट्टी होती है। समझ आ गई आपको? पहली बजरी, जिसे पथरीली मिट्टी कहते हैं, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ेंगे बजरी या फिर पथरीली मिट्टी। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि जिसमें मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। बजरी देखिए आपने, बहुत मोटी होती है, उसके कण जो होते हैं बारीक नहीं होकर के थोड़े मोटे होते हैं। आकार बड़ा होने के कारण इनके बीच में हवा भरी होती है, क्योंकि मोटे होते हैं ना, तो इनके बीच में हवा भर जाती है जल्दी से।
अतः इस कारण इसमें पानी भी नहीं रुक पाता है, क्योंकि नीचे तो हवा भरी हुई है, तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो पानी तुरंत से बह जाता है, पानी को सोख नहीं पाती है। इस प्रकार की मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि पानी तो रुक ही नहीं पाता है, बह जाता है, सूख जाता है। यह मिट्टी नदी या समुद्र के किनारे या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ऊपर से नदियां उसको बहा कर लेकर आती है, तो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे या फिर रेगिस्तान में पाई जाती है बजरी पथरीली मिट्टी। दूसरा हम पढ़ेंगे रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी को हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं। रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी भी इसे कहा जाता है। यह मिट्टी बजरी के कणों के आकार से छोटे कण वाली होती है। इसका जो कण होता है वो बजरी से थोड़ा छोटा होता है, रेतीली मिट्टी का थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। यह भी पानी रोकने में सक्षम नहीं है, ज्यादा देर तक पानी नहीं रोक पाती है। इस मिट्टी में भी कुछ नहीं उगाया जा सकता है। इससे बजरी मिट्टी की तुलना में कम हवा होती है। इसमें मिट्टी के कण बारीक होते हैं, लेकिन कम बारीक होते हैं। इसमें भी हवा भरी होती है, जैसे पानी डालते हैं तो बह जाता है, वो फटाफट से सूख जाता है, वाष्पीकरण उसका हो जाता है। इसलिए इस पानी की मिट्टी की जो रेतीली मिट्टी है, ये भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। बजरी और रेतीली मिट्टी दोनों, बलुई मिट्टी खेती के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। अब हम आते हैं चिकनी मिट्टी की। थर्ड, चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें वायु यानी कि हवा नहीं होती है। ये जो कण है आपस में बारीक आसपास चिपके होते हैं। इस कारण इस मिट्टी, यह मिट्टी पानी को बहुत देर तक सोख सकती है, पानी इसके अंदर काफी देर तक रह सकता है। इस मिट्टी का प्रयोग मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने, मूर्ति आदि बनाने में किया जाता है। मटका देखा, मटका दिया, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या जो फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं, ये सब चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। दोमट मिट्टी, इसके बारे में, यह मिट्टी चिकनी और रेतीली मिट्टी के संयोग से बनती है। चिकनी मिट्टी भी और रेतीली मिट्टी दोनों के मिलने से बनती है ये वाली दोमट मिट्टी। तो इसमें कण ना तो बारीक कण भी होते हैं और मोटे कण भी होते हैं, दोनों के मिलने से। यह मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी, खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पेड़ पौधे अपनी जड़ें आसानी से गहराई तक चले जाते हैं। इसलिए खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। समझ आ गया आपको मिट्टी किस प्रकार बनती है, मिट्टी के प्रकार। अब एक टॉपिक जो हमारा रहेगा मिट्टी की परतें, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज आपको होमवर्क में ये चैप्टर पढ़ना है, पेज नंबर 42 और 43, पार्ट 10, मृदा के प्रकार। इसको आप पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसके प्रश्न उत्तर और बाकी का जो चैप्टर बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।